प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, कांच फोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। काम दिन रात करवाती मेरी सास, मुझे रोज सताती है। ठीक से साफ कर। अरे दिल में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। 25 लाख रुपए का ही था ना? क्या है कि 5 लाख रुपया ज्यादा खर्चा हो गया है। अरे लेकिन ऐसे कैसे 5 लाख रुपए ज्यादा दे दे? और देखो भाई सुंदर, पैसा तो उतना ही मिलेगा ना जितने का तुमने कोटेशन दिया है। 25 लाख का कोटेशन दिया था, उतना मिल जाएगा। सही बात है सुंदर भाई, 5 लाख ज्यादा नहीं मिल सकते। हाथी भाई, 5 लाख रुपए तो देने ही पड़ेंगे। क्यों बाबूजी, आप ही समझे ना सुंदर को क्या बात कर रहा है ये। देख सुंदर, जाने बाबूजी को, जाने सॉरी, जाने भाई, देने पड़ेंगे क्या? क्या मतलब है? मतलब कि 5 लाख ज्यादा खर्चा हो गया है तो रुपए तो देने ही पड़ेंगे ना। क्या सुंदरलाल, तुमको सोच समझ कर पैसा खर्चा करना चाहिए था। अरे अय्यर भाई, सुंदरलाल ने गोकुल धाम सोसाइटी को अपना घर समझकर काम किया है। अगर मैं सोच समझकर खर्चा करता ना तो 25 लाख का काम मैं 20 लाख में उड़ा देता। नहीं नहीं सुंदरलाल, एक मिनट, तुमने पूरा कैलकुलेशन करके 25 लाख का कोटेशन दिया था तो फिर भी 5 लाख रुपया एक्स्ट्रा कैसे बढ़ गया? क्योंकि मैंने बढ़िया काम किया है, मैंने चुन चुन कर बढ़िया मटेरियल इस्तेमाल किया है। माय डियर भिड़े भाई, आप ऐसा समझ लो कि 30 लाख रुपए में सुंदर ने 1 रुपया भी नहीं कमाया है। आपको मैं 30 लाख रुपए के बजट में 40 लाख रुपए का काम दे रहा हूँ। शांति रख जरा, तो चाय चाय वहां रख और तू शांति रख। वाह वीरा, देखे भाई बोल बच्चन, हर धंधे वाला आदमी ऐसी मीठी मीठी बातें ही करता है, लेकिन नहीं, 25 लाख की बात हुई थी, 25 लाख मिलेंगे। अभी तू ये बता और कितना काम बाकी है? बस काम में तो थोड़ी ग्रिल लगानी बाकी है, थोड़ा कलर कम बाकी है। पर माय डियर जीजाजी, जीजाजी नहीं, यहाँ एक सोसाइटी मेंबर बैठा है। ठीक है, तो सोसाइटी के मेंबर मिस्टर जेठालाल जी, अब मैं सिर्फ सेक्रेटरी के साथ बात करूंगा। ये तेरा नाटक अभी बंद कर, तुझे 1 रुपया ज्यादा मिलने वाला नहीं है, और चुपचाप सोसाइटी का काम पूरा कर। ये माय डियर जीजाजी बोल रहे हैं या सोसाइटी का मेंबर? सोसाइटी मेंबर। अगर माय डियर जीजाजी मुझे एक थप्पड़ भी जड़ दे तो वो मैं सहन कर लूंगा, लेकिन मिस्टर सेक्रेटरी, अगर सोसाइटी का एक मेंबर मेरी बात समझे बगैर मेरे सामने दादागिरी करते हैं तो फिर मुझे ये काम नहीं करना है। मैं ये काम छोड़कर जा रहा हूं। अरे सुंदर, कैसी बातें कर रहे हो तुम? आप ये काम किसी और के पास करवा लेना। जय राम जी की। अरे नहीं करना है, मुझे कोई काम ही नहीं। सुंदर सुंदर को, अरे मैं कहाँ बैठा हूँ, मैं खड़ा हूँ। अरे आप बैठे क्या हो भिड़े भाई, रोकिए ना सुंदर को। भिड़े, तुझे बोला था मैंने। अरे भाई सुंदर भाई को पकड़ के लाओ, मैं समझाता हूँ। चाय ठंडी हो रही है, मैं तो पी लूं। क्या चाय बनाई है दया भाभी ने। मीरा! सुंदर लाल, मीरा! अभी आ गया यार।
अरे सुंदर शंकरलाल सुंदर अरे सुंदर अरे सुंदर सुंदरलाल कहाँ भाई चल गया यार ये क्या मालूम मीरा कहाँ गया होगा कमाल है इतनी देर में सुंदर कहाँ जा सकता है वो ये तो बिल्कुल मिस्टर इंडिया के जैसे गायब हो गया सोचो मेरे बेचारे मासूम मीरा का दिल कितना दुखा होगा कि वो इतनी स्पीड से गायब हो गया यार जयरालाल का बोलने का कुछ समझ नहीं है हाँ जेठाप्रा तुम्हें जरा शांति से बात करनी चाहिए थी माँ पता नहीं जेठालाल तुम्हारी वजह से सोसाइटी में काम शुरू होगा कि नहीं मेरी वजह से माँ और नहीं तो क्या घर आए हुए मेहमान से और वो भी एक लौते साले के साथ कोई ऐसे थोड़े ना बात करता है दया एक मिनट जेठालाल अभी भी शांति रखो भाई अभी ये बात करने का वक्त नहीं है अभी सुंदर को ढूंढना है कहीं नाराजगी में अहमदाबाद नहीं चला गया हाँ तो चलो फिर अहमदाबाद अरे भाई भी पता नहीं है रुक रुक कुछ भी खाया पिया भी नहीं चला गया बेना क्या हुआ क्यों रो रही थी माय जीजा जी ने कुछ कहा नहीं नहीं मीरा मीरा तुम कहाँ थे अरे बेना कितनी दूर से मैं आया हूँ और किसी ने मुझे फ्रेश ही नहीं होने दिया और आते ही सवाल पे सवाल सवाल पे सवाल सवाल पे सवाल पूछे जा रहे थे इसलिए मैं फ्रेश होने के लिए टप्पू के रूम में चला गया था उधर ही नहीं देखा बताओ और हमने सोचा पता नहीं तुम कहाँ चले गए हो देखो धंधरलाल ये जेठालाल है ना बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देता है किसी की बात का बुरा मत मान ए अय्यर भाई अच्छा मैं बिना सोचे समझे कुछ भी बोलता हूँ ना तो ठीक है आज के बाद मैं आपको जो कुछ भी बोलूँ आप बुरा मत लगाना हु? अरे भाई जेठालाल अय्यर तुम लोग प्रॉब्लम क्या है उस पे फोकस करो ना भाई हाँ बिल्कुल ठीक कहा बेटे जेठालाल जरा तुम शांति से बात करना मेरे कहने का मतलब है तुम दोनों शांति से बात करना सुंदर तुम भी बेटे सर मेरा वीरा तो हमेशा शांति से ही बात करता है क्योंकि हमारी माँ ने हमें बचपन से सिखाया है कि चाहे कुछ भी हो जाए दिमाग में शांति समझदारी और जुबान पर मिठास रखनी चाहिए शांति ओम शांति शांति ओम ओ बेटा हाँ सुंदरपुरा और नाराजगी छाड़ यार और फटाफट सोसाइटी का काम शुरू कर और फटाफट कंप्लीट कर एग्जैक्टली सॉरी बेना कैसे करूं आप लोगों ने 5 लाख रुपए देने से मना कर दिया है ना अरे बात मना करने की नहीं है सुंदरलाल देखो माना कि तुमने काम अच्छा किया बहुत बढ़िया घर का समझ के किया और काम अच्छा होना भी चाहिए लेकिन बजट भी तो कोई चीज होती है ना काम बजट में होना चाहिए सुंदरलाल वरना 25 लाख तो क्या 2 करोड़ भी कर्जा करने में कम पड़ेंगे तो सुंदरलाल 5 लाख रुपए क्या सोसाइटी के पास 5,000 रुपए भी नहीं है ज्यादा देने के लिए सही बात है सुंदर भाई आपको पहले ही ज्यादा कोट करना चाहिए था ना पर अभी खर्चा ज्यादा हो गया है तो क्या करें इसीलिए मैं तुम्हें पहले ही कह रहा था तुझे इसका कोई अनुभव नहीं है ये सोसाइटी का काम तू हाथ पे मत ले टप्पू के पापा ऐसा मत कहिए मेरे वीरा को हर चीज का अनुभव है क्योंकि हमारी माँ ने हमें बचपन से हर तरह की तालीम दी है भाई तो शांति रखने माय डियर जीजाजी आप मेरी बहना को कुछ मत कहना तो तेरी बहना को भी समझा दे कि हमेशा मेरे सामने तेरी तारीफ की पिपड़ी ना बजाया करे जब देखो तब मेरा सुंदर वीरा ऐसा मेरा सुंदर वीरा वैसा देख लिया अपने सुंदर वीरा की असलियत 5 लाख नहीं मिले तो इधर काम बंद कर दिया जीजाजी मैंने 5 लाख रुपए के लिए काम बंद नहीं किया है मेरी कंपनी का नाम क्या है बोलो इसको अपनी कंपनी का नाम भी नहीं मालूम है जीजाजी मेरी कंपनी का नाम है DNT कंस्ट्रक्शन कंपनी मतलब दया एंड टप्पू कंस्ट्रक्शन कंपनी और ये मेरी कंपनी का पहला प्रोजेक्ट है जो माय डियर बहना और माय डियर भांजे के नाम पर है बहना और भांजे का नाम ऊंचा रखने के लिए गोकुलधाम सोसाइटी को मैंने हमेशा बेस्ट काम देना ही चाहा है और ये बेस्ट काम देने में मैंने क्वालिटी देखी है पैसा नहीं अगर मैं चाहता तो ये 25 लाख का प्रोजेक्ट माल में झोल झाल करके 15 लाख में निपटा देता लेकिन नहीं ये माय डियर बहना की सोसाइटी है मेरे जिगर जान दोस्त सोडी भाई की सोसाइटी है
मेरे आदरणीय मित्र तारक भाई मेहता की सोसाइटी है, प्रमाणिक शिक्षक भिड़े भाई की सोसाइटी है, भारत के एक उभरते हुए वैज्ञानिक अय्यर भाई की सोसाइटी है, और सेवा भावी दयावान डॉक्टर हाथी भाई की सोसाइटी है। इन सब लोगों की भावनाओं के साथ मैं कैसे खिलवाड़ कर सकता हूँ? और तो और, टपू सेना ने मुझसे स्पेशल फरमाइश की थी, वो कोटेशन में ना होने के बावजूद भी मैंने बिना खर्चा देखे पूरी की है। कैसी फरमाइश की है? वो काम पूरा होते ही आप देख लेना, और वो देखने के बाद आप सब लोग मेरे सामने गिड़गिड़ाओगे कि क्या सुंदर लाल, तुमने कितना बेस्ट काम दिया है, दुनिया का कोई भी कॉन्ट्रैक्टर 25 लाख में इतना बढ़िया काम नहीं दे सकता, हमें माफ कर दो। अरे 5 लाख लेने के लिए कितना बोल बच्चन करेगा तू? टप्पू के पापा मेरा वीरा बोल बच्चन नहीं कर रहा है, वो सत्य वचन बोल रहा है। ए वीरा घेली। माय डियर चीता जी, मेरी बेना घेली नहीं, मेरी बेना भोली है। देख सुंदर। बस चीता जी, सुंदरलाल 5 लाख रुपए का नुकसान बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपनी बेना का 1 रुपए का भी अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। सुनो गोकुल धाम वासियों, अब सुंदरलाल आप लोगों से 1 रुपया लिए बगैर सोसाइटी का काम पूरा करेगा। आई रिपीट, अब सुंदरलाल आप लोगों से 1 रुपया लिए बगैर सोसाइटी का काम पूरा करेगा। ग्रिल नया लगाओगे ना? लगा दूं। वीरा, तुम मेरे लिए 5 लाख का नुकसान सहन करोगे? बेना, तुम्हारे लिए 5 लाख तो क्या, मैं 2 करोड़ कुर्बान कर सकता हूँ। भाई 2 करोड़ बाद में कुर्बान करना, पहले ये बता 5 लाख का बंदोबस्त कहाँ से करेगा तू? जरूरत पड़ने पर मैं अपने आप को बेच दूंगा। फिर भी 4,99,000 कहाँ से लाएगा तू? कुछ भी करके मैं 5 लाख रुपए लेकर आऊंगा। वाह। मेरी माँ हमेशा कहती है कि सच्चाई की राह पर चलने में मुश्किलें तो बहुत आती है, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। कोई न आवे तारी साथे, एकलो जाने रे। एकलो जाने रे। वीरा हुआ, माँ के इसी संस्कार की वजह से आज समाज में तुम्हारा कितना बड़ा नाम है। ये बेन भाई को तो श्रेष्ठ अभिनय का अवार्ड देना चाहिए। बेना, मैं तेरा नाम डूबने नहीं दूंगा, गोकुल धाम को मैं महल जैसा बनाऊंगा। अरे भाई, ये पूरा महल देखने कब मिलेगा? 2 हफ्तों में। कौन सा 2 हफ्ते? आने वाले 2 हफ्ते की 2013 के 2 हफ्ते, और 2013 के भी कौन से महीने के 2 हफ्ते? आने वाले 2 हफ्ते में। नहीं नहीं, फिर भी सुंदर भाई, अगर फाइनल डेट पता चल जाती तो अच्छा होता। सही बात है। बीड़े पर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? अरे नहीं, बिल्कुल भरोसा है, मैं जेठालाल थोड़ी हूँ। मतलब फिर भी एक बार फाइनल डेट पता चल जाए तो अच्छा है ना? बस इसी महीने की 20 से 25 तारीख के बीच में काम निपटा के अच्छा मुहूर्त देख के सोसाइटी में आपके हवाले कर दूंगा। गुड, लेकिन मेरी एक शर्त है। का है? की? क्या शर्त? जब तक सोसाइटी का काम खत्म नहीं होगा, किसी को भी सोसाइटी देखने नहीं मिलेगी।
और सोसाइटी में क्या काम बाकी है वो भी मुझसे कोई पूछेगा नहीं। ओ कमाल है धंधेपुरा, ओ ऐसे कैसे ना पूछे, ओ सोसाइटी देखने भी नहीं देते हो, ओ सोसाइटी में क्या काम चल रहा है ओ ये भी नहीं बताते हो, ऐसे थोड़ी ना चलेगा यार। पर सुंदरलाल ये क्या बात हुई कि हमारी अपनी सोसाइटी और हम नहीं देख सकते? भाई सोसाइटी है, कोई दुल्हन थोड़ी है जो मुंह दिखाएगा मुहूर्त निकलेगा। मेहता साहब, गोकुलधाम मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। जैसे चित्रकार कभी अपना अधूरा चित्र किसी को नहीं दिखाता है, शिल्पकार कभी अपना अधूरा शिल्प किसी को नहीं दिखाता है, वैसे ही मैं भी अपनी कल्पना को पूर्ण किए बगैर किसी को दिखाना नहीं चाहता हूँ। सुंदर आपको उम्मीद से भी बढ़िया सोसाइटी बना के देगा, बस आप लोगों को मुझ पर भरोसा रखना होगा। आप लोगों को मुझ पर भरोसा है ना? और रखेंगे क्या, ओए सुंदर प्रा, मैनू तेरे ते पूरा भरोसा है। हाँ मलापट, मतलब मुझे भी पूरा भरोसा है तुम पर। मुझे भी। ठीक है फिर। मेरा मुझे भी भरोसा है। जीजा जी ने भी हाथ ऊपर कर दिए। मैंने हाथ कहाँ ऊपर किए? मैं तो मुहावरा बोल रहा हूँ। मैं पूरा काम देखने के बाद हाथ ऊपर करूंगा। जीजा जी को छोड़कर आप सभी लोगों को मुझ पर भरोसा है, ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई है। थैंक यू। वेलकम। और एक बात, जब तक सोसाइटी का काम खत्म नहीं होता सोसाइटी में मेरी सिक्योरिटी रहेगी। यादव। यस सर। जान की परवाह किए बिना यहाँ की सिक्योरिटी करना, अंदर जाने की बात तो दूर, यहाँ अंदर कोई झांक भी नहीं पाएगा। यदि अंदर कोई जाने की कोशिश करेगा उसके साथ वही सलूक करेंगे जो एक बॉर्डर पार करने वाले के साथ किया जाता है। अरे सुंदर क्या किया? बस बस यादव, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये सब लोग अपने घर के ही है, तुम्हें पूरा कोऑपरेट करेंगे। हाँ बिल्कुल। इन सब लोगों से तुम्हारा इंट्रोडक्शन करवाने के लिए बुलाया था, जाओ खेलो। चलो बेना मैं निकलता हूँ। कहाँ जा रहे हो बेटा? 5 लाख का बंदोबस्त करने, काम जो शुरू करवाना है। विजय बाबा। चलो जीजाजी। बाय बाय सुंदरलाल बाय। दग्गे की चोट पे ऐलान कर दिया है सुंदरलाल ने कि वो बगैर 5 लाख रुपए लिए गोकुलधाम सोसाइटी के रेनोवेशन का काम पूरा कर देगा। भाई ये खबर सुन के हम तमाम गोकुलधाम सोसाइटी के सदस्य रिलैक्स हो गए, और जेठालाल को तो ये खबर सुन के यूं लगा जैसे रेगिस्तान में कोई कुआं मिल गया। लेकिन सुंदरलाल साहब कोई काम आसानी से तो नहीं करते, वो बीच में एक शर्त लगा दी। शर्त ये है कि जब तक काम पूरा नहीं होता गोकुलधाम सोसाइटी को आप देख नहीं सकते। भाई ऐसा क्यों किया? कहीं काम में कोई गड़बड़ तो नहीं है, या काम पूरा हुआ ही नहीं है, या काम शुरू ही नहीं हुआ? भाई पता नहीं, ये तो मैं नहीं जानता कि क्या हुआ है, लेकिन इस वक्त टेंशन ये है कि ये 5 लाख रुपए के लिए क्या होगा। ये टेंशन दो तरफ है, एक तरफ दया भाभी को ये टेंशन कि सुंदर 5 लाख रुपए का इंतजाम कैसे करेंगे, और दूसरी तरफ जेठालाल को ये टेंशन कि 5 लाख रुपए के लिए सुंदर कोई और गड़बड़ ना कर दे। स्थिति बड़ी रोमांचक मोड़ पे है, क्योंकि सुंदरलाल नाम का एक ऐसा मोड़ जेठालाल की जिंदगी में है कि जेठालाल जब भी इस मोड़ पे आते हैं एक्सीडेंट जरूर होता है, लेकिन यहाँ इस वक्त इस एक्सीडेंट में होगा
धमाका, हास्य का हंगामा और ठाके ठाके, बस देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।